ऑफ स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जामों पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना? सो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे लोकसभा में कार्यकाल की अवधि कितनी है। जी हाँ बच्चों, लोकसभा में कार्यकाल की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। बताइए बच्चों, फास्ट आप लोग, लोकसभा से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप सभी के सिलेबस में भी लोकसभा से रिलेटेड यहाँ पे पढ़नी है बच्चों। तो मैं भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सभा, सभी सदनों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जा रही है लोकसभा की जो भी यहाँ पे अवधि होती है वो कितनी वर्ष की होती है, बताइए बच्चों आप लोग फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष तक होती है। जी हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आप सभी से कि लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग न किया जाए, इसकी प्रथम सदन के लिए तिथि 5 वर्ष इसकी नियुक्त की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है बच्चों लोकसभा की, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा वर्तमान समय में सदन की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, जी हाँ बच्चों बताइए आप लोग फास्ट, वर्तमान समय में सदन की कुल संख्या, बताइए आप लोग फास्ट यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर, सदन की कुल संख्या फास्ट बताइए बच्चों आप लोग यहाँ पे इसकी करेक्ट जवाब क्या होगी। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है 543, इट इज करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे वर्तमान समय में जो सदन है उसमें कुल संख्या सदस्यों की 543 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो आप सभी ने देखा 5 वर्ष तक होता है। जी हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स तिलियां होती है। जी हाँ बच्चों, यानी जो हमारा फ्लैग है, जो इंडियन फ्लैग है, उसमें जो भी आप लोगों ने ये देखते हो यहाँ पे चक्र, उसमें जो भी तिलियां होती है उसकी संख्या कितनी होती है। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए फास्ट यहाँ पे उस तिलियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 42। जी हाँ बच्चों, बताइए आप लोग फास्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती है। जी हाँ बच्चों, बताइए आप लोग फास्ट, 20, 22, 24 या 42। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी भारतीय ध्वज में जो भी चक्र होती है, हमारी अशोक चक्र होती है, उसमें 24 तिलियां होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, बताइए आप लोग फास्ट बच्चों, अशोक चक्र का यहाँ पे रंग कैसा होता है। जी हाँ बच्चों, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, बताइए आप लोग फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, अशोक चक्र का जो रंग होता है वह यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नीला रंग का होता है। जी हाँ बच्चों, कौन सा, तो नीला।
तो यहाँ पे आप लोग इसे लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है? तो नीला होता है। जी हाँ बच्चों, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफी प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उस पर जो भी खर्चा होती है वो किसके थ्रू, यानी कौन इसका देख रेख करता है, कौन खर्च करता है, किसका नियंत्रण होता है, आप लोग बताइए, किसका कंट्रोल होता है? जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी बच्चों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे बताइए फास्ट यहाँ पे क्या होगी। तो अगर बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यहाँ पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं CAG, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इसकी देखरेख, नियंत्रण की जो भी भार है इन पे सौंपी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाए बच्चों कि आप सभी लोग बताएं संसद के सदन, ठीक है, संसद के सदन कितने होते हैं? जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्चर की क्लास में, तो आप लोग बताएं यहाँ पे कितनी होती है, फास्ट बताएंगे बच्चों आप लोग, मे बी आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। जी हाँ बच्चों, बताइए फास्ट यहाँ पे कितनी होती है। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायकी निकाय है, ठीक है बच्चों। अब भारतीय संसद में यहाँ पे दो सदन होते हैं जिसका नाम यहाँ पे है, पहला आपका हो गया सदन राज्यसभा, ठीक है, कौन सा, तो राज्यसभा, ये बच्चों राज्यों की परिषद होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया है आपको कौन सा हो गया बताइए आप लोग बच्चों फास्ट, दूसरा हो गया यहाँ पे लोकसभा, जो कि लोगों का सदन होता है। जी हाँ बच्चों, कौन सा, तो लोकसभा, ये किसका होता है, तो जनता का होता है ये सदन, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों सबसे अच्छी बात है, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा आपसे कि इन दोनों सदनों को कौन भंग कर सकता है, किसके पास इसकी शक्ति होती है, जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा है इन दोनों सदनों को यहाँ पे भंग किया जा सकता है या कोई निर्णय लिया जा सकता है, और किसी में यह यहाँ पे शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ये सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये खेल जगत से क्वेश्चन है। तो खेल जगत से क्वेश्चन आप सभी को देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलती है बच्चों, आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, यहाँ पे आपके जो भी पीएम पीएमएम का एग्जाम होता है बच्चों उसमें आप सभी को देखने को मिलेगी खेल जगत से क्वेश्चन। इसीलिए खेल जगत से क्वेश्चन को आप लोग एनी हाउ यहाँ पे देखें, याद करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है आप लोग देखिए यहाँ पे, वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है। जी हाँ बच्चों, बताइए आप लोग वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए आप लोग, फास्ट, नौका दौड़ से, हॉकी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे चार ऑप्शन दे दी गई है, आप सभी से पूछी जा रही है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नौका दौड़, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, वेलिंगटन दौड़ यहाँ पे नौका दौड़ से संबंधित है। जी हाँ, और ये खेल बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, यह खेल न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित किया जाता है, कंट्री का नाम आप लोग याद रखेंगे, वेलिंगटन खेल जो भी है यह यहाँ पे न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, ठीक है, और इसी को यहाँ पे प्रतियोगिता के तौर पर खिलाया जाता है। अगर नौका दौड़ की बात की जाए बच्चों, तो यह खेल नौकायान, यानी नौका दौड़ आप लोगों ने देखा होगा चंपू की सहायता से जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं नाव को, उसी को यहाँ पे नौका दौड़ खेल से यहाँ पे जानते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को जरूर यहाँ पे लिख लें, ठीक है। चलिए अब यहाँ बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा आपसे कि आप सभी लोग बताइए कि ध्यानचंद्र,
ठीक है, कौन सा बच्चों? तो ध्यानचंद ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? जी हाँ बच्चों, बताइए आप सभी लोग फास्ट, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों यहाँ पे जवाब हो जाएगी हॉकी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक और आई है फुटबॉल की, तो इसका भी आप लोग जान लीजिए। जो फुटबॉल है यह यहाँ पे किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी ने सुना होगा डीसीएम ट्रॉफी। ठीक है, कौन सी ट्रॉफी बच्चों? तो डीसीएम ट्रॉफी। तो डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये सब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और आ गई है क्रिकेट। तो आप सभी लोग जानते होंगे क्रिकेट का। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे रणजी ट्रॉफी से एक एक जो भी यहाँ पे खेल से संबंधित है। ठीक है ना, और भी काफ़ी यहाँ पे होते हैं क्रिकेट से संबंधित, इसमें यह दिया जाता है ट्रॉफी। ठीक है ना, बट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने आ चुकी है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या पूछा जा रहा है? यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ बच्चों, आकार में यहाँ पे सौरमंडल की बात की जा रही है, सौरमंडल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बताइए बच्चों, सोलर सिस्टम से आप लोगों ने तो पढ़ा होगा क्वेश्चन को, यहाँ पे थ्योरी भी इसकी पढ़ी होगी, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे। तो बताइए फटाफट आप लोग, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, और ऑप्शन डी शनि। जी हाँ बताइए फटाफट बच्चों आप लोग, इसका यहाँ पे सही जवाब क्या होगी? फटाफट बताएंगे बच्चों आप सभी को, मैं 1 मिनट का यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे शनि है। जी हाँ, जैसा कि शनि एवं बृहस्पति ये दो बड़े ग्रह हैं। ठीक है ना, बृहस्पति भी यहाँ पे दो बड़े ग्रह हैं, बट यहाँ पे बृहस्पति सबसे बड़ा है बच्चों। ठीक है ना, अगर सबसे बड़ा और पहला अगर ग्रह की बात किया जाएगा तो यहाँ पे बृहस्पति होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। बट यहाँ पे अगर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो वो आपका यहाँ पे शनि है। ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हो कि आप सभी को पता होगा हमारे सौरमंडल की सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, सबसे छोटा ग्रह बच्चों कौन है? तो बुध है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाएगा एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाएगा कि आप सभी लोग बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस, जो भी यहाँ पे है 3-4 ऑप्शंस नाम दे दिए जाएंगे। तो आप सभी का क्या जवाब आएगी बच्चों सबसे भारी ग्रह में? ठीक है, सबसे भारी ग्रह आप लोग बताइएगा फटाफट, यहाँ पे क्या होगा सबसे भारी ग्रह? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइएगा सबसे भारी ग्रह, और सबसे बड़ा ग्रह भी है उससे हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी आपको 1 सेकेंड पहले मैं बताया। तो जी हाँ बच्चों, यह हो जाएगा आपको बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें पूछी जा रही है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कहाँ पे है? जी हाँ बच्चों, पश्चिम बंगाल, उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, बताइए फटाफट आप लोग भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कहाँ पे है? फटाफट बताएंगे बच्चों आप सभी लोग।
तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। जी हाँ, यहाँ उत्तरी रेलवे इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है, क्योंकि भारत के सबसे लंबा रेलवे जोन की अगर बात किया जाए तो वह उत्तरी रेलवे है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगर मैं इसकी मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे इसका मुख्यालय हो जाएगा, आपको कहाँ पे है बताइए आप लोग फटाफट, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, में है इसका मुख्यालय, तो यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेलवे जोन के अधीन कितने रेलवे स्टेशन आते हैं तो बताइए फटाफट, तो सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन बच्चों इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा तो 1142 के लगभग यहाँ पे है, लगभग 1142 रेलवे स्टेशन यहाँ पे आते हैं, इसीलिए ये भारत के सबसे बड़ा रेलवे जोनों में से एक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बच्चों पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बताएंगे, तो बताइए फटाफट यहाँ पे कि अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन मीन्स रेलवे जोन कौन सा है बताइए आप लोग फटाफट बच्चों, कौन सा होगा यहाँ पे इसकी राइट आंसर। तो जी हाँ बच्चों, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कोलकाता मेट्रो जोन है, ठीक है, कौन सा है जोन, जी हाँ बच्चों यहाँ पे कौन सा है तो आप लोग देख लीजिए, कोलकाता मेट्रो जोन भारतीय रेलवे का सबसे छोटा यहाँ पे जोन है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे इस सब क्वेश्चन को नोट करते हुए हम सभी लोग फिर से अब आगे की ओर मूव करते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इस प्यारे से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, यानी भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा चांदी पाई जाती है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मेघालय में। बताइए फटाफट बच्चों आप लोग, भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। जी हाँ बताइए फटाफट। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे चांदी का सबसे बड़ा खान राजस्थान में है, ठीक है ना, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ी चांदी की खान वाले स्टेट है, राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है चांदी की, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक वाले देश का नाम बताइए, उस कंट्री का नाम क्या है जो कि पहले यानी प्रथम स्थान पे आती है। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे पहले स्थान पे चांदी उत्पादक वाले देश का अगर मैं नाम लूं तो वो स्थान बच्चों हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है, ये प्रथम स्थान पे आते हैं चांदी उत्पादक में, फिर उसके बाद सेकेंड स्थान पे बच्चों यहाँ पे चीन आती है, ठीक है, चीन, और उसके बाद दूसरे स्थान पे पेरू कंट्री आती है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ये टॉप 3 नंबर वाले जो भी चांदी उत्पादक कंट्री हैं उसको यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए बच्चों विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा है। जी हाँ बताइए फटाफट, विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक कंट्री कौन सी है, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान। जी हाँ बताइए आप लोग बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे बोलेंगे भारत, ठीक है, तो भारत यहाँ पे सही था, बट यहाँ पे गाइस 2022 के यहाँ पे जो भी डाटा आई है उसमें यह यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है
कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, जो कंट्री है, वो अब चीन हो चुका है। जी हाँ बच्चों, तो पहला स्थान चीन का दे दिया गया है विश्व में चाय उत्पादक वाले कंट्री में, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड स्थान पर बच्चों अब भारत आ चुकी है। तो यह यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले स्थान पे चीन है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे बच्चों भारत है। चाय उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता था, बट यहाँ पे अब चीन का स्थान प्रथम हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट करते हुए बच्चों आगे चलिएगा। तो जी हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा आपसे कि चाय की खोज कौन से देश में हुई थी, कौन देश किया था, हाँ जी बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चाय की खोज, ठीक है, किस कंट्री के थ्रू यहाँ पे हुई थी, तो बताएंगे आप लोग किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे हुआ था चाय की खोज। जी हाँ बच्चों, तो चाय की खोज बच्चों यहाँ पे चीन के द्वारा ही की गई थी। अब यहाँ पे बच्चों ज़्यादातर तो लोग ये समझते होंगे कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे जो भी है चाय की जो भी खोज हुई थी उसकी शुरुआत चीन में ही हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करते हुए बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थी आगे की ओर मूव करेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें क्या पूछी जा रही है आप लोग फटाफट देखेंगे। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? जी हाँ बच्चों, अब यहाँ पे बात आई है भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, 17, 20, 18, 19, बताइए फटाफट भारत में कितने रेलवे जोन हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी पहले की बायोडाटा की अगर मैं बात करूँ, जो भी डाटा निकाली थी वो 17 था, बट एक बढ़ गई है, तो एक बढ़ गई है, तो बच्चों यहाँ पे 18 हो चुकी है हमारी रेलवे जोन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आप सभी से एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है। जी हाँ बच्चों, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताइए आप लोग कौन सा होगा। जी हाँ, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। जी हाँ बच्चों, कौन सा है, तो लखनऊ का लखनऊ का चारबाग स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा, इसका क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो ये स्टेशन है बच्चों, तो यह चार बगीचे के बीच में बनाया गया है, ठीक है, चारों बगल बगीचा ही बगीचा, यानी हरियाली ही हरियाली है, और ये अंग्रेजों के समय पे ही इसको बनाई गई थी बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सभी ने समझ लिया बच्चों। चलिए तो इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सब क्वेश्चन को नोट करते हुए आप लोग आगे की ओर मूव कीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिलते जुलते आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक और काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें पूछा जा रहा है 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ बच्चों, 1 रुपया का जो नोट होता है, ठीक है, उस पर किसका सिग्नेचर होता है, बताइए आप लोग फटाफट 1 रुपये के नोट पे किनके सिग्नेचर होते हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जी हाँ बच्चों, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे इसकी करेक्ट जवाब क्या होगी, 1 रुपये का नोट पे हस्ताक्षर किसकी होती है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट कौन सा होगा।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 1 रुपये के नोट पर भी सचिव जी का हस्ताक्षर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप सभी लोग अब ये बताइए 1 रुपया पे तो नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, आप सभी ने बता दिया कि वित्त सचिव जी का होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि आप सभी लोग बताइए कि 2 रुपये वाले जो नोट होते हैं उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताइए 2 रुपये वाले नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, फटाफट बताइए आप लोग। और ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए एज द होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, 2 रुपये वाले नोट पर किन के हस्ताक्षर होते हैं। मैं देखना चाहूँगा कितने विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट जवाब आती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई हो तो आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय।